मिलेगा और तीन टारगेट दिए थे, तीनों ही टारगेट अचीव हुए। निफ्टी की बात करें, निफ्टी हमने कहा था जैसे ही 14,600 ब्रेक करता है या वहाँ से रिजेक्शन आता है, जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो सेल कर सकते हैं, जो अग्रेसिव नहीं है वो 14,500 ब्रेक होने का टाइम लेंगे। ब्रेक होते ही आपका पहला टारगेट होगा 14,450, वहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, पहला टारगेट आपने बुक किया, रिवर्स हुआ मार्केट, वापस 500 ब्रेक किया, वापस आपका 450 लेवल आया, और साथ ही साथ हमारा जो सेकेंड टारगेट था 14,350 का, वो लेवल भी अचीव हुआ। यानी तीन टारगेट्स आपको फ्राइडे के दिन मार्केट में देखने को मिले। हमने एनालिसिस किया था कि फ्राइडे को एक ट्रेंडी मार्केट होगा और एक ट्रेंड सेटर होगा, आपको बताएगा कि आने वाले टाइम में कैसा आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, आपका ट्रेंड सेट करेगा। फ्राइडे को हमने कहा था कि फ्राइडे या मंडे, ये दोनों दिन में से किसी एक दिन बहुत बड़ा ट्रेंडी मार्केट होगा। बैंक निफ्टी का भी हमने एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी के भी आपको टारगेट्स आते हुए देखने को मिले। पहला हमने कहा था कि शॉर्ट करेंगे 32,575 ब्रेक होते ही, जो अग्रेसिव ट्रेडर है, और जो नॉन अग्रेसिव ट्रेडर है वो 32,300 ब्रेक होते ही 32,200 का आपका टारगेट होगा, 32,000 का आपका टारगेट होगा, 300 पॉइंट का आपको रैली मिलेगा, और उसके नीचे भी अगर ब्रेक होता है तो हम उसको ट्रेल करते चले जाएंगे। दोनों ही बैंक निफ्टी निफ्टी में काफी अच्छे, काफी बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिले, एनालिसिस की थी। अब कल क्या हो सकता है, मंडे भी है कल, और कल भी शायद आपको एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे को ट्रेंडी मार्केट मैंने कहा था, जितना ट्रेंड मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि जितना आपको ट्रेंडी मिलेगा उतना ट्रेंडी नहीं था, बीच में कुछ कंसोलिडेशन हुआ, कुछ अप्स एंड डाउन्स है, हालांकि बड़ी रेंज में गया मार्केट, लेकिन फिर भी उतना बड़ा ट्रेंड नहीं मिला जितना ट्रेंड मुझे चाहिए था। एक और कंफर्मेशन चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन के मोड में आ रहा है, अगर अब इसने टॉप बना दिया है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने टॉप बना दिया है, तो मंडे को फिर से वो एक कंफर्मेशन देगा। अगर वो मंडे को कंफर्मेशन मिलती है तो हम मानेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर टॉप बना दिया है। अगर मंडे को कंफर्मेशन नहीं मिलती और वापस से वो अपने हाइस की तरफ आ जाता है, रिवर्स कर जाता है मार्केट, तो अभी यहाँ पे टॉप नहीं बना है, अभी भी टॉप बनने के लिए टाइम है। लेकिन एनालिसिस की थी थर्सडे रात को कि फ्राइडे को आपको एक ट्रेंडी मार्केट मिलेगा, ट्रेंड सेटर होगा फ्राइडे, और मंडे के दिन जो भी मार्केट करेगा वो आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ट्रेंड बताएगा। फ्राइडे को मार्केट डाउन था, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल भी अगर डाउन रहता है तो हम मान सकते हैं कि टॉप बन चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। शॉर्ट टर्म में आपको, वेरी शॉर्ट टर्म में आपको एक करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। नहीं, अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी निफ्टी नीचे की बाजू और रिवर्स कर जाता है ऊपर की बाजू, तो अभी भी टॉप नहीं बना है। कल की एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की, टॉप गेनर्स में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स में था, न्यूज आ गई थी टेस्ला वाली तो वो टॉप गेनर्स में था। भारतीय एयरटेल अगर आप देखोगे वो टॉप गेनर्स में था। भारतीय एयरटेल ने कल अपना 52 वीक हाई बनाया है, 52 वीक हाई, और आई गेस अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ अगर मैं उसको बोलूंगा, ऑल टाइम हाई भी भारतीय एयरटेल ने कल ही बनाया है। कल ही के दिन आपको भारतीय एयरटेल का ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई बनते हुए देखने को मिला मार्केट के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक के लिए। यूपीएल आपको 2.54%, तो एज सच कोई नहीं थे टॉप गेनर्स में, अगर आप बात करोगे तो छह सात ही थे, और सब अलग अलग सेक्टर से थे, कोई पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं था। टॉप लूजर्स की बात करें, आईटी टॉप लूजिंग पोजीशन में था कल की अगर हम बात करें फ्राइडे की, और गैस जो भी है ONGC BPCL गेल ये सब टॉप लूजर्स में थे, तो ऑयल एंड गैस और आपका जो आईटी सेक्टर था वो दोनों लूजिंग स्टेट में था। एफआईआई डीआई के डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने कल वापस उस दिन 971 करोड़ की बाइंग होती हुई देखने को मिली, और डीआईएस की तरफ से 942 करोड़ की आपको सेलिंग होती होती मिली। नेट नेट मार्केट में अगर बात करें तो आपको कुछ बड़ी एक्टिविटी होती हुई नहीं मिली, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई मिली। वो प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है, कौन समझदार आदमी जो इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, करने भी चाहिए क्योंकि काफी स्ट्रेच आउट हो गया है मार्केट। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें, पुट कॉल रेशियो कूल डाउन हो गया है, एज सच कोई आपको हाई पुट कॉल रेशियो देखने को नहीं मिल रहा, तो पुट कॉल रेशियो की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मंथ एंड की बात करें 28 जैन की, तो आपको 1.49 निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 1.48 देखने को मिल रहा है। जब भी 1.7 के ऊपर चला जाएगा जब आपको कॉशियस हो जाना है, तो अभी भी पुट कॉल रेशियो नॉर्मल रेंज में है, एज सच कोई हाई पुट कॉल नहीं है, तो पुट कॉल रेशियो की तरफ से आपको कोई टेंशन
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो बुल है जो मार्केट को और ऊपर लेके जाने की सोच रहा है तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कमिंग वीक की बात करें तो इसका भी एकदम स्टेबल है, ओवर सोल्ड भी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ओवर सोल्ड के नजदीक आ रहा है। जब भी ये 0.5 के नीचे चला जाए आप समझ जाइए कि मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है। तो 0.61 0.69 आपको देखने को मिल रहा है। तो पुट कॉल रेशियो दोनों ही मंथ एंड का वीक एंड का आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटास की हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि हम डेरिवेटिव डेटा निफ्टी का शुरू करेंगे एक मार्क अचीव होने पर, तो निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो वीडियो थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव डेटास भी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो सबसे हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो अभी भी 14,600 का लेवल है। 14,600 के लेवल पर आप देखोगे 3,94,09,125 का आपको ओआई इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और ओआई की अगर हम बात करें खाली उस दिन की ओआई की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो 2 करोड़ शेयर्स कॉल राइट किए गए हैं। कॉल राइट करना मतलब ये जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। कॉल राइट क्या मतलब, उनको लगा है कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगा, तो जो कॉल राइटर्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे बड़ा ओआई लेवल जो है वो है 14,600, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 15,000 एक सबसे बड़ी रुकावट का काम करेगा। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, कल के लिए अगर हम बात करें तो 13,600 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये काफी बड़े 3 करोड़ शेयर्स निफ्टी के अंदर ओपन पड़े हैं, ओआई कॉल राइट किए हुए हैं। और उसके नीचे की अगर हम बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आएगा 14,500 के आसपास। अगर 14,500 ब्रेक करता है तो 14,550 पे भी आपको 1 करोड़ शेयर्स के ओआई देखने को मिल रहा है, और 14,600 के ऊपर आपको लगभग 4 करोड़ शेयर्स खुले हुए हैं। तो 4 करोड़ शेयर्स है, इतनी जल्दी 14,600 लेवल ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वहां पे आएगा जो भी कॉल राइटर्स है अग्रेसिवली वापस शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। सपोर्ट की बात करें, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कहां तक गिर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ओआई लेवल आप देखोगे तो 14,600 पे 4 करोड़ शेयर्स खुले हुए हैं। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में एक भी लेवल नियर, अगर मैं बात करूं नियर निफ्टी के अंदर, एक भी लेवल ऐसा नहीं है जहां पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सब जगह जहां पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1 करोड़ शेयर 1.5 करोड़ शेयर इतने ही शेयर्स ओपन है। तो पुट की अगर हम बात करें, पुट राइटर्स की बात करें, तो वो अब एग्रेसिवली पुट बाइंग नहीं कर रहे। अब उन्हें भी डर लग रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट काफी ओवरबॉट हो गया है, करेक्शन आना कंपलसरी है, मार्केट के अंदर मैंडेटरी हो गया, तो उतना हाई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा। हर 100 पॉइंट्स पर अगर आप निफ्टी पे देखोगे 14,400 14,300 14,200, अगर हर 100 पॉइंट्स पर अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आपको 1 करोड़ 50 लाख के शेयर्स के आसपास का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसमें भी अगर हम ओआई की बात करें तो ओआई गिर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओआई लेवल्स वहां पे भी गिर रहे हैं। अगर 14,400 की बात करूं, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे ना तो हाईएस्ट ओआई लेवल है, और चेंजिंग ओआई की बात करें तो वहां पे भी ओआई गिर रही है। मतलब पुट राइटर्स अपनी पुट वहां से काट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा और इसके भी नीचे चला जाएगा। सबसे बड़ी सपोर्ट की बात करें वो आ रहा है 14,200 पर। 14,200 पर आपको हाइएस्ट ओआई लेवल भी देखने को मिल रहा है और हाइएस्ट ओआई बिल्डअप भी आपको वहीं पर देखने को मिल रहा है। 1,45,06,575 शेयर्स का आपको ओआई लेवल देखने को मिल रहा है। और चेंज इन ओआई की बात करें, अगर फ्राइडे को फ्रेश पोजीशन की बात करें तो 4 लाख लोगों ने अपना फ्राइडे को फ्रेश पोजीशन बनाया। लोगों को लग रहा है कि 14,200 आने वाले एक्सपायरी में तो ब्रेक नहीं होगा। 14,400 अगर ब्रेक होता है तो ओआई का चेंज वहां पे बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो लेवल डेफिनेटली अगर ब्रेक करता है तो 14,300 के आसपास जाएगा। फिर 14,300 एक शॉर्ट सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे भी इतना बड़ा आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो भी ब्रेक करता है तो इमीडिएट जो सबसे बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 14,200। और अगर 14,200 ब्रेक करता है तो फिर फाइनल आपका जो सपोर्ट होगा वो होगा 14,000 का। 14,000 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे आपको फिर सेकेंड हाईएस्ट ओआई इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर ओआई की बात करें तो 1,71,00,000 शेयर्स वहां पे भी ओपन हुए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 14,300 से लेके 14,200 के बीच में आपको एक छोटा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 14,400 का कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 14,300 मिलेगा। और अगर 14,200 भी ब्रेक हो जाता है तो सीधा 200 पॉइंट पे कोई भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं है। हाँ ओपन मार्केट में ओआई बहुत तेजी से चेंज होते हैं, तो अगर किसी को आता है ट्रैक करना वो ट्रैक कर सकता है। अगर जिसको ट्रैक करना नहीं आता वो ये समझे कि 14,200 ब्रेक होने के बाद इमीडिएट सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो है 14,000, जो
इतने जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर की बात जो बात करें कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, 14,500 के ऊपर काफी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो 14,500 अगर ब्रेक करता है इमीजिएटली 14,600 जाएगा, लेकिन 14,500 इतने आसानी से ब्रेक करेगा नहीं। काफी कॉल राइडिंग हो रखी है, 14,600 पे भी काफी कॉल राइडिंग हो रखी है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है वो है 14,600। मतलब ऊपर हर 100 पॉइंट निफ्टी को बढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, गिरते टाइम मेहनत नहीं करनी है। गिरते टाइम मतलब अगर गिरेगा भी तो काफी तेजी से गिरेगा, 14,400 ब्रेक होने के बाद हर 100 पॉइंट पे आपको छोटी सी रुकावट है, और अगर 14,200 ब्रेक करता है तो सीधा इमीजिएटली 200 पॉइंट गिरते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड खुल रही है निफ्टी के लिए, अप साइड अब धीरे धीरे पैक हो रही है। अगर निफ्टी को 100 पॉइंट भी ऊपर जाना तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी अभी। अब कल के एनालिसिस की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की। बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम डेरिवेटिव डेटास की बात करेंगे जब हमारा नेक्स्ट टारगेट अचीव होगा सब्सक्राइबर्स का। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो 32,400 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंट का काम कर रहा है बैंक बैंक निफ्टी में। अगर 32,400 ब्रेक करता है, कोई 175 पॉइंट्स अगर कैप्चर करना चाहता है वो कैप्चर कर सकता है 14,580 590, यानी 600 के आसपास आप समझ सकते हो। अगर 32,400 ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर किए जा सकते हैं, अगर किसी को कैप्चर करना है तो। ये भी अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दोगे 50 पॉइंट्स का, और अगर ये ब्रेक होता है तो इमीडिएटली जो आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 32,800 का और 200 पॉइंट्स, और अगर उस पर भी आप वहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दोगे वो भी ब्रेक होता है तो इमीडिएट नेक्स्ट आपका फाइनल टारगेट होगा 33,000 का। अगर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है 32,400 के ऊपर, अगर डाउन साइड की बात करें 32,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2 बार 3 बार मार्केट वापस से आकर रिवर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया वहां से। अगर आपकी बार 32,100 ब्रेक करता है इमीजिएट आप अगर कोई 100 पॉइंट क्विक 100 पॉइंट कैप्चर करना चाहता है वो कर सकता है, और अगर कोई नॉर्मल ट्रेडर है तो वो 32,000 ब्रेक होने का वेट करेगा, उसके नीचे का 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो डायरेक्ट आपका 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा जो कि है 31,800 का। यह है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए अगर हम कल की बात करें, निफ्टी कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म कर सकता है, तो जैसा मैंने कहा कि हर 100 पॉइंट्स पे काफी रुकावट निफ्टी को देखने को मिल रही है। इमीजिएट अगर निफ्टी 14,500 जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंट का काम कर रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है तो 14,550 50 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हो। 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का ट्रेड होगा, ट्रेल कर दीजिए वहां पे जाते ही 25 पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। 14,500 ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको एग्जिट कर जाना है, फिर आपका जो नो ट्रेडिंग जोन शुरू हो जाएगा 14,550 से लेके 14,650 तक। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, वापस वापस जाती है आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। और 14,650 के ऊपर अगर 5 मिनट ब्रेक कर जाता है तो स्काई इज द लिमिट, उसके ऊपर कोई भी टारगेट नहीं है। फिर 14,700 14,750 वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा जाने दीजिए। नीचे की बाजू बात करें तो 14,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अब नहीं करेगा। अगर 14,400 के आसपास आता भी है और 5 मिनट या 2 मिनट्स भी उसके नीचे अगर क्लोज मिल जाता है, इमीजिएटली आप 14,350 के लिए 50 पॉइंट्स 1:2 का आप टारगेट लगा सकते हो। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट हो जाएगा, ट्रेल कर दीजिए वहाँ पे, फिर से आपका स्टॉप लॉस। और अगर 14,350 के नीचे जाता है तो 14,300 आपका इमीजिएट नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। 14,300 ब्रेक होने के बाद 14,200 सपोर्ट है, और 14,200 ब्रेक होने के बाद सीधा 14,000 आपका टारगेट बनेगा। ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।